हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए नई प्रश्नावली। कल हमने 25 क्वेश्चन करवाए थे और उसमें का अगला भाग है। कुल टोटल हमने 50 क्वेश्चन की क्विज बनाए थे ताकि हम आप सभी को एक ही बार में करा सकें, तो किसी कारणवश कल नहीं करा पाए थे पूरा। तो 25 क्वेश्चन के आगे यानी 26 से 50 नंबर तक के क्वेश्चन आज हल करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की प्रश्नावली। तो पहला प्रश्न है, सूरजमुखी के चित्रकार हैं, सूरजमुखी नामक जो कृति है उसके चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए एम एफ हुसैन, बी के एच आरा, सी विनोद बिहारी मुखर्जी, डी राम कुमार। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विनोद बिहारी मुखर्जी इसके चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है? जो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा यात्रा का अंत नामक जो कलाकृति बनाई गई थी वह किस संग्रहालय में या कहां पर संग्रहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, बी आर्ट हेरिटेज गैलरी नई दिल्ली, सी चित्रकूट आर्ट गैलरी कोलकाता, डी कैमोल्ड आर्ट गैलरी मुंबई। तो इस क्वेश्चन में आप सभी को लगभग 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे क्योंकि इसमें गैलरी का नाम और किस शहर में है यह भी दिया हुआ है, तो यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्र बनाया गया था यात्रा का अंत वह संग्रहित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1901 ईस्वी में मॉडर्न रिव्यू नामक अंग्रेजी मासिक पत्रिका किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए जे स्वामीनाथन, बी रामानंद चटर्जी, सी गुलाम रसूल संतोष, डी ए रामचंद्रन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रामानंद चटर्जी ने 1901 ईस्वी में मॉडर्न रिव्यू अंग्रेजी मासिक पत्रिका यानी इसे आरंभ किया था रामानंद चटर्जी ने। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र का संबंध किस ग्रंथ से है, किस पुस्तक से है? ऑप्शन ए कामसूत्र, बी जयमंगला, सी विष्णु धर्मोत्तर पुराण, डी विनय पिटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विष्णु धर्मोत्तर पुराण से चित्रसूत्र का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने किस गुफा से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए अजंता से, बी कार्ले से, सी सित्तनवासल से, डी सिगिरिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी गुप्तकाल का संबंध किससे है? अजंता से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल के चित्र संबंधित है, सित्तनवासल के चित्र जो है वह किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सित्तनवासल गुफा के जो चित्र हैं वह जैन धर्म से संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मदुरई, बी तंजौर, सी कांचीपुरम, डी बादामी। बृहदेश्वर मंदिर किस शहर में स्थित है या कहाँ पर स्थित है उस जगह का नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तंजौर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33, भारत में लघु चित्र परंपरा की शुरुआत हुई, भारत में लघु चित्र परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई या किन शासकों द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए पाल शासकों के अंतर्गत, बी प्रतिहार शासकों के अंतर्गत, सी राजपूत शासकों के अंतर्गत, डी मुगल शासकों के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भारत में लघु चित्र परंपरा की शुरुआत पाल शासकों के अंतर्गत हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? ऑप्शन ए ओपेरा गायक, बी कला इतिहासकार, सी पियानो वादक, डी यूरोप में पुनर्जागरण काल के कलाकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल यानी ईवी हैवेल एक कला इतिहासकार थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रूपम नामक पत्रिका के संपादन किसने किया है? ऑप्शन ए रामानंद चटर्जी, बी आनंद कुमार गांगुली, सी रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती, डी प्रदोष दास गुप्ता। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आनंद कुमार गांगुली ने किया, आद कुमार गांगुली ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केरल के मावेलिक्करा के राजा रविवर्मा पेंटिंग स्कूल किसने स्थापित किया? तो ऑप्शन ए पी जे चेरियान, बी पी गंगाधर, सी सी वी
बालन नायर, डी के माधवन, माधव मेनन। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजा रवि वर्मा पेंटिंग स्कूल किसने स्थापित किया था? पीजे चेरियन ने। अगला प्रश्न है, सन 1944 ईस्वी में चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन नामक संस्था किसने स्थापित की थी? ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा ने, बी के जी सुब्रमण्यम ने, सी के सी एस पर्णिकर ने, डी डी पी राय चौधरी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी के सी एस पर्णिकर ने सन 1944 में चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन नामक संस्था को स्थापित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुआगो गुफा, हजार बुद्ध की गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत में, बी अफगानिस्तान में, सी चीन में, डी जापान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चीन में स्थित है। मुआगो गुफा, हजार बुद्ध की गुफा कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग स्मारक को किसने डिजाइन किया था? जलियांवाला बाग स्मारक को किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए अमेरिकी वास्तुकार बेंजामिन कॉफमन पोल्क, बी ब्रिटिश वास्तुकार एडवर्ड बेकन, सी फ्रांसिस सी वास्तुकार सी या ली कार्बुजियर, डी भारतीय वास्तुकार सतीश गुजराल। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जलियांवाला बाग का जो स्मारक है उसे डिजाइन किया था अमेरिकी वास्तुकार बेंजामिन कॉफमन पोल्क ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सुविख्यात प्रिंट मेकर और मूर्ति शिल्पी हैं? ऑप्शन ए चित्त प्रसाद, बी सोमनाथ होर, सी रामकिंकर बैज, डी दीपक बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सोमनाथ होर जो है वह एक सुविख्यात प्रिंट मेकर के साथ साथ मूर्ति शिल्पी भी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली ने अपना क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया था? तो अपना क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए पंचकुला हरियाणा, बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी इंदौर मध्य प्रदेश, डी कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पंचकुला हरियाणा में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली ने अपना क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, माउंट सेंटे विक्वायरे सीन फ्रॉम बेलेवे 1895 कैनवास पर तैल रंग से चित्र किसका है? ऑप्शन ए मोने, बी सेवान, सी गॉगिन, डी पिकासो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यह चित्र जो है सिवान का है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 सॉरी प्रश्न संख्या 43 फेबल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? फेबल्स नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए टॉलस्टॉय, बी हैवेल, सी हेगेल, डी सुजान लैंगर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी टॉलस्टॉय की यह पुस्तक है, फेबल्स नामक जो पुस्तक है उसके लेखक है टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न है, अजंता की चैत्य गुफा थी, अजंता की चैत्य गुफा कौन सी है या किसे कहा जाता है चैत्य गुफा? ऑप्शन ए पूजा उपासना स्थल, बी बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल, सी स्नान स्थल, डी आमोद प्रमोद का स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पूजा स्थल को चैत्य स्थल कहते हैं, अजंता की गुफाओं में से जहाँ पर पूजा होती है उसे चैत्य गुफा कहते हैं बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के दृश्य कला संकाय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए प्रोफेसर दीप्ति प्रकाश मोहंती, बी एस प्रणाम सिंह, डी डॉक्टर अजय जेटली, सी डॉक्टर उत्तम दीक्षित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर उत्तम दीक्षित जो है सॉरी इस प्रश्न को एक बार फिर से देखना पड़ेगा। इसका आंसर अभी फिलहाल एस प्रणाम सिंह ही होंगे और बाकी इसे संशोधन करके जहाँ तक हमें लग रहा है कि अभी चेंज हुए हैं तो इनके जो अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर उत्तम दीक्षित होंगे। फिलहाल आंसर की में इसे एस प्रणाम सिंह लगाया गया है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कल क्लियर करवाएंगे हम इस क्वेश्चन को, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, किसके चित्रों में इकहरी छवियों का अभाव है? ऑप्शन ए ए रामचंद्रन, बी अर्पिता सिंह, सी के जी सुब्रमण्यम, डी परितोष सेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अर्पिता सिंह के चित्रों में गहरी छवियों का अभाव है। अगला प्रश्न है, छापाकार संजीव किशोर गौतम किस कला महाविद्यालय से संबंध है? ऑप्शन ए
इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, बी लखनऊ कला महाविद्यालय लखनऊ, सी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, डी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संजीव किशोर गौतम जी का संबंध लखनऊ महाविद्यालय लखनऊ कला महाविद्यालय लखनऊ से संबद्ध है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता के राजकीय कला विद्यालय के भारतीय कला विभाग में प्रवेश लेने वाले अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे पहले छात्र थे। ऑप्शन ए नंदलाल बोस, सी सुरेंद्र नाथ गांगुली, सी क्षितिनाथ मजूमदार, डी असित कुमार हल्दर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सुरेंद्र नाथ गांगुली हैं। अगला प्रश्न है, तपोनिष्ठ पार्वती तपोनिष्ठ पार्वती 1921 किसका चित्र है? ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 45, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के दृश्य कला संकाय के वर्तमान अध्यक्ष एस प्रणाम सिंह ही होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, तपोनिष्ठ पार्वती 1921 किसका चित्र है? ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी असित कुमार हल्दर, सी नंदलाल बोस, डी शैलेंद्रनाथ डे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नंदलाल बोस का यह चित्र है, इसे 1921 में चित्रित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, और आज की प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न, तो चलिए देखते हैं, फ्रांस के किस समकालीन कलाकार की पेंटिंग भारत के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में 28 जनवरी से 29 मार्च 2020 तक प्रदर्शित की गई थी? ऑप्शन ए पियरे हुईधे, बी डैनियल बुरेन, सी सोफी कैले, डी जेराई गरुस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जेराई गरुस्त के जो फ्रांस के समकालीन कलाकार हैं उन्हें भारत के नेशनल गैलरी आर्ट में मॉडर्न आर्ट में 28 जनवरी से 29 मार्च तक उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो कैसी लगी आज की प्रश्नावली आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो गलतियाँ हों और जो कमियाँ रह जाती हों उसे भी कमेंट किया करिए, तो ताकि अगली प्रश्नावली में हम उसमें सुधार लाएँ और आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर क्लासेज और क्वेश्चन उपलब्ध कराएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।